वेलकम टू एक्सीलेंस एकेडमी। नायब कासिद की जॉब के लिए अगर आपको एप्लीकेशन लिखनी हो तो उसका तरीकेकार क्या होगा? सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे बखिदमत जनाब, उस इदारे का नाम लिखेंगे जिसको आप दरख्वास्त लिख रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप जनरल मैनेजर को आप दरख्वास्त लिख रहे हैं जो कि एक डेस्क ऑन कंपनी है इलाहाबाद में, तो आप लिखेंगे बखिदमत जनाब जनरल मैनेजर साहब डेस्क ऑन इंजीनियरिंग लिमिटेड इलाहाबाद। तो उसके बाद आपने लिखना है जनाब अली, गुजारिश है कि मैंने कल अखबार में देखा कि आपके इदारे में चंद आसामियां मौजूद हैं, इसी सिलसिला में अपनी खिदमात पेश करना चाहता हूं। मैंने मैट्रिक पास किया है लेकिन अभी तक बेरोजगार हूं। कुछ अरसा पहले मेरे वालिद गुजर गए, तब से मेरी वालदा कुछ सिलाई वगैरह करके घर का गुजारा कर रही हैं। मेरे दो छोटे बहन भाई हैं, उनकी तालीम के लिए मुझे इस नौकरी की सख्त ज़रूरत है। अगर आपकी इन नजर इनायत हो जाए तो मेरी और मेरे घर वालों की परेशानी दूर हो जाएगी। मुझे एक मौका ज़रूर दें, मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो ये थोड़ा सा एक फॉर्मेट है जिसको आप अप्लाई करके आप एक अच्छी दरख्वास्त लिख सकते हैं, आप अट्रैक्ट कर सकते हैं जॉब देने वाले को कि वो आपको मौका दे। लास्ट में आप शुक्रिया लिखें, उर्दू में पैटर्न होता है, आप अलारस अपना नाम लिखें, तारीख लिखें और अगर चाहें तो आप दस्तखत कर सकते हैं। तो ये था नायब कासिद की जॉब के लिए दरख्वास्त देने का तरीका। मजीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।